जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में मंडलीय कारागार से निर्वित कैदियों को कानूनी परामर्श दिया गया। उन्हें बताया गया कि कानून की मदद से वे जेल से रिहा हो सकते हैं और बाहर आकर एक कुशल जिंदगी जी सकते हैं। इस बात की जानकारी देते हुए प्राधिकरण के सचिव नुसरत खान ने बताया कि जेल में कुछ इस तरह के कैदी बंद है जिनको कानूनी ज्ञान नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिनका मुकदमा लड़ने वाला कोई नहीं है। ऐसे हालत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोगों को कानूनी सुविधा उपलब्ध कराता है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्राधिकरण के सचिव नुसरत खान ने बताया, जेल में बंदियों के लिए भी हमने जो है ई बार्गेनिंग कॉन्सेप्ट एक शिविर लगाया था, जिसमें उनको विधिक रूप से उनको क्या सहायता दी जा सकती है, उनके मुकदमों का निस्तारण वादी और कोर्ट के मध्य कैसे किया जा सकता है, कैसे सुलह समझौतों के आधार पर उनका मामला निस्तारित किया जा सकता है, उन बंदियों को जिनको आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण विधिक सहायता नहीं मिल पा रही है, विधिक सेवा प्राधिकरण उनको जो है निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराता है, उनको जो भी विधिक मशवरा चाहिए उनको प्राप्त कराता है और बंदियों के हित में काम करता है। सर, कुछ ऐसे भी कैदी हैं जिनको विधिक सहायता नहीं मिल पा रही है, कुछ विदेशी कैदी भी जेल के अंदर बंद हैं जो विदेशों तक उनके परिजनों को पता नहीं है कि उनके परिजन जेल में बंद हैं, उन लोगों को भी कुछ कानूनी सहायता यहाँ से मुहैया कराई जाएगी? नहीं, जिसकी भी जो विधिक सहायता हो सकती है विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उनको बिल्कुल उनको प्राप्त कराई जाती है। उनके माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार बंदियों को जो है जो उनकी सुविधा है उनको प्राप्त कराई जाती है और उसका निरीक्षण भी किया जाता है कि उनको प्राप्त हो रही है। कल हम लोगों ने जेल में एक शिविर का आयोजन किया था जिसमें बंदियों को जो है क्या उनको विधिक सहायता प्राप्त कराई जा सकती है, उनके विधिक अधिकार क्या हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने बताया, जागरूक किया और उनको एक अच्छे नागरिक बनने की हम लोगों ने नसीहत भी दी। उनको बताया कि आप जिन भी मामलों में बंद हैं इनके निपटारे के बाद आप एक अच्छे नागरिक के तौर पर देश के भविष्य के तौर पर उसमें जो भी आप योगदान कर सकते हैं अच्छे पॉजिटिव पर वो करें, ये सारी चीज़ें उनको बताई गई हैं।